अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन तैमूर आप लोगों के साथ हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग जो है दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल हसन तैमूर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो जी, आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है वीएम वर्क स्टेशन। तो ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ आप लोगों को इसका थोड़ा ओवरव्यू दिखाने के लिए। तो ये देखिए, वीएम का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। ये देखें, इसके अंदर मैंने विंडोज 7 जो है वो इंस्टॉल की हुई है। यहाँ से आप लोग हार्डवेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी विंडोज 7 को ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं जो है क्लिक करके फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ओके करता हूँ और ये देखें हमारी जो है विंडोज 7 वो ऑन हो रही है विंडोज 10 के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी विंडो 10 है और ये देखें विंडो 7 जो है वो ओपन हो रही है। मैं इसको मिड स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये विंडो 10 है और ये इसके अंदर जो है विंडो 7 वो ओपन हो रही है और सेम टाइम पर हम लोग जो है वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरी विंडो 7 जो है वो ओपन हो रही है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट जानने के लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, मेरे वीएम वर्कस्टेशन के लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए। तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग जो है वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने वीएम को इंस्टॉल करना है और अपनी विंडोज 7 की सेटिंग और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो ये देखिए विंडोज 7 है, इसके मैं ऐसे स्टार्ट बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्टार्ट बार ओपन हो चुकी है। ये देखें मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। तो इसका आपको फायदा ये भी है, अगर आपके पास कोई गेम्स है या कोई सॉफ्टवेयर है जो विंडो 10 के साथ सपोर्टेड नहीं है तो आप लोग उसको वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है विंडो 7 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपनी गेम को खेल सकते हैं और जब चाहें विंडो 10 के अंदर आप लोग इंजॉय करें। तो आप लोग जो है दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये देखें ये विंडो 10 की जो है वो लोगो स्क्रीन ऑन हो चुकी है और ये आप लोग देख सकते हैं ये साथ में विंडो 7 की है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर जो है वो पसंद आएगा, इसका समझ आएगी। तो ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देना था इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये काम कैसे करता है। तो ये देखें मैं इसके माई कंप्यूटर को ओपन कर सकता हूँ, ये देखें मेरी डी ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, कंट्रोल पैनल सेम आपकी जो है विंडोज 7 की तरह इसकी लुक, क्या ये है ही विंडोज 7। इसको वर्चुअल इसलिए कहते हैं कि ये हमने विंडोज 10 के अंदर जो है इंस्टॉल की है इस वजह से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और ये देखें इसकी स्टार्ट बार है, ये विंडोज 10 की स्टार्ट बार जो है वो आ रही है, दोनों के अंदर जो है आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको आप लोग यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, ओपन कर लें और इसके अंदर आप यहाँ से न्यू क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन से विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर सकते हैं। दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर लें तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीएम वर्कस्टेशन के बारे में जो ओवरव्यू है उसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। तो आप इसको यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ और ये देखें ये शेड्यूल होना जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप लोग इसको यहाँ से सिंपली क्लोज कर दें, पावर ऑफ कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखें मेरी जो विंडो 10 आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको
मेरा ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपका वीएम के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए, और इससे बेहतर है कि आप लोग मेरे वीएम लेक्चर के जो फुल ट्यूटोरियल हैं उनको देखिए। उनके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया है कि वीएम को कैसे इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।